पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव के वक्त आते रहे हैं, जबकि उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट के बावजूद उन्हें रोड शो करना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि नौकरी का एजेंडा, जो उन्हें आज रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पेरोल पर बाहर आए अनंत सिंह पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि अब संत लोगों को भी जेल से बाहर निकाला जा रहा है। नौकरी के एजेंडेंट है, उनको रोड पर नहीं आया ना, और क्या चाहिए। जो हम लोगों ने जो नौकरियां दी है, रोजगार दी है, और जो जरूरत है लोगों की, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो अब पटना में आए हैं, स्वागत है, लेकिन इस एजेंडे ने रोड पे लाया है उनको। आप देखिए ना, पिछले बार जब आए थे तो चुनाव के समय आए थे, इस बार फिर आए तो चुनाव के समय आए। और जो इस बार बिहार में हम पहले से कहते रहे कि चौंकाने वाला रिजल्ट लाए, उससे लोग भयभीत हैं। अब चौंकाने वाला रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि जो सेफेस्ट सीट है उसमें भी एक खतरा महसूस कर रहा है। तो हमको तो लगता है कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। अब प्रधानमंत्री होके एक यूनिवर्सिटी का दर्जा सेंट्रल नहीं दिला पाए, और हमारे चाचा ने कई बार आग्रह भी किया, हम लोगों ने भी आग्रह किया, भाई कम से कम उस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दीजिए, वो भी नहीं कर पा। अब वो अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं कि उनसे भी काफी अच्छा रिश्ता रहा है, मेरे भाई से बेचारा है, तो ये चुनाव में क्या। सुनिए ना, उनकी बात है, अमित शाह को चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना, फालतू क्या केस में लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई, इसमें हम क्या कहें। वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं पीरजादे, इसलिए हमको शहजादा कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, मुद्दे की बात कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, काम की बात। और हम लोगों को लगता था कि भाई जो सुना करते थे जो बुजुर्ग लोग हैं वो काम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग होकर के ना काम की बात करते हैं, ना ध्यान की और ना ज्ञान की बात करते हैं, केवल झूठ की बात।